चैनल बात करता है उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 मिल्कियतें अब इसके हाथ से फिसलती हुई मालूम पड़ रही हैं। दिल्ली में सबसे बेशकीमती अरबों और खरबों रुपये की मिल्कियत पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की लापरवाही के सबब खतरात के बादल मंडला रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 123 मिल्कियतें वक्फ़ के हाथ से निकलकर अब वजारत बराए शहरी तरक्की के हाथ में चली गई हैं। हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर शायद खबर में बताया गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 मिल्कियतों के बारे में वजारत बराए रिहाइश व शहरी उमूर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को ख़त लिखा था। उसमें कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 डिनोटिफाइड प्रॉपर्टी अब बोर्ड के पास नहीं रहेगी। वजारत बराए शहरी तरक्की की तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस सिलसिले में ऑर्डर भेज दिया गया है। इस मामले में मशहूर वकील अली मेहदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया है और मुसलमानों के साथ धोखा किया है। वीडियो में भी कहा जा रहा है कि हुकूमत हिंद ने एक नोटिस वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टीज़ पर चिपकाया है और चेयरमैन वक्फ बोर्ड के दिल्ली के नाम पर यह नोटिस है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने दो मेंबर कमेटी हाईकोर्ट के कहने से बनाई थी और इस दो मेंबर कमेटी ने सब लोगों को अपनी बात रखने के लिए बुलाया था, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं पहुंचा, इसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और कोई एतराज़ भी जाहिर नहीं किया। नाज़रीन गिरामी, इधर दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर इंतखाब के मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि गवर्नर के नामजद करदा 10 काउंसलर्स एल्डरमैन मेयर के इंतखाब में वोट डालने के अहल नहीं हैं। अदालत उज़्मा ने यह फैसला आम आदमी पार्टी लीडर डॉक्टर शैली ओबराय की तरफ से दायर अर्जी पर समाअत के बाद दिया है, जिसमें अब एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में नामजद अरकान को वोट देने की इजाज़त देने के एलजी के फैसले को चैलेंज किया गया था। नाज़रीन, शेयर बाजार के लिए रेगुलेटरी इकदामात को मजबूत करने के मकसद से माहिरीन का पैनल बनाने के बारे में मरकज़ के मशवरे को सील बंद लिफाफे में कबूल करने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज समाअत करते हुए कहा कि हम सील बंद लिफाफे में मरकज़ के मशवरों को कबूल नहीं करेंगे, हम इस मामले में शफाफियत यकीनी बनाना चाहते हैं। साथ ही इस तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की तश्कील से मुतालिक मामले में अपना फैसला महफूज रख लिया है। नाज़रीन, एलन मस्क ने हिंदुस्तान में ट्विटर के दो दफातर को बंद करने की हिदायत जारी कर दी है। कंपनी ने मुलाजमीन को घर भेज दिया और कहा है कि वहीं से काम करें। दरअसल लागत में कटौती और मुश्किलात का सामना कर रहे सोशल मीडिया सर्विस को मनफात बख्श बनाने के एलन मस्क के मिशन के हिस्से की शक्ल में ट्विटर ने हिंदुस्तान में अपने 3 में से 2 दफातर को बंद कर दिया है। ये इंकशाफ एक मीडिया रिपोर्ट में किया गया। नाज़रीन, बिहार के रोहतास ज़िले के चिनारी थाना इलाके में जुमा को गुप्ताधाम जाने वाली एक पिकअप वैन उलट गई है, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौत हुई जबकि 15 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक वज़ीर आज़म खान को लगातार मुश्किलात का सामना है। योगी आदित्यनाथ की ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत ने आज़म के जौहर ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम रामपुर पब्लिक स्कूल की इमारत की लीज़ को मंसूख कर दिया। हुकूमत के इस फैसले के बाद अब महकमे अकलियती उमूर ने ट्रस्ट को ज़मीन खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इधर नाज़रीन गिरामी, भारतीय जनता पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को पार्टी की जानिब से कहा गया है कि वो मुतनाज़ और मजहबी मामलों पर बयान देने से गुरेज करें। मेंबरान पार्लियामेंट को सख्त हिदायत दी गई हैं कि वो बयानबाजी से गुरेज करें, खासतौर पर मजहबी मामलों, सनातन धर्म जैसे मौजूद पर बयान देने से भी गुरेज करें। पार्टी ज़राए के मुताबिक जुमा को पार्टी सदर JP नड्डा ने बजट और सदर के खिताब के हवाले से तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के साथ ऑनलाइन मीटिंग की थी। इस मीटिंग के दौरान JP नड्डा ने अरकान पार्लियामेंट को ये हिदायत जारी की हैं।
इधर नाज़िर ग्रामीण महाराष्ट्र के शहर लातूर में ज़मीन के अंदर से पुरअसरार आवाज़ें सुनी गई हैं, लेकिन कोई जलजले की सरगर्मी की इतला नहीं मिली। अहदेदारों ने इतला देते हुए बताया कि आवाज़ें विवेकानंद चौक के पास से सुबह 10:30 बजे से 10:45 के दरमियान में सुनी गई, जिससे रिहायशी खौफजदा हो गए और जलजले की अफवाह फैलने लगी। एक अहदेदार ने कहा कि कुछ लोगों ने मकामी इंतज़ामिया को अलर्ट किया, जिसके बाद ज़िला डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने लातूर शहर के साथ ज़िला में और अलग अलग आशु और सेमो मेरे मालूमात ली, लेकिन किसी भी जलजले की सरगर्मी का कोई बात सामने नहीं आई। नाज़िम ग्वालियर में एक शादीशुदा खातून के अगवा इज्तिमाई आबरूरेजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑटो ड्राइवर उसके साथी ने इसका अगवा किया, फिर जंगल में ले जाकर उसकी इज्तिमाई आबरूरेजी की। इस दौरान मुलजिमिन ने वीडियो भी बनाया, जिसको वायरल करने की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। भावड़ापुर पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, आजकल आबादी में जंगली जानवरों के घूमने के वाकयात आम हो गए हैं। जंगलात की कटाई करके आबाद किए जा रहे इंसान इन बेज़बानों के लिए बड़ा ख़तरा बनते जा रहे हैं। ऐसे में ये अपनी जगह वापस पाने के लिए आते हैं, हमलावर होकर इंसानों के लिए ख़तरा बन जाते हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शेरों का एक झुंड सड़क पर घूमता हुआ नज़र आया। इस वीडियो में एक दो नहीं बल्कि कई शेर घूमते देखे जा सकते हैं। वीडियो को मशहूर IFS अफसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है। नंदा ने वीडियो शेयर करके कैप्शन में लिखा, एक और दिन एक और फख्र, गुजरात की सड़कों पर चलते हुए। नंदा के ज़रिए शेयर किए गए वीडियो क्लिप में 8 शेर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इंसानी हकूक़ की तंजीम अलकिस्त के जुमेरात को अपनी नई रिपोर्ट द डार्क साइड ऑफ न्यूम शाये किया गया है, जिसमें उन तमाम अफराद के नामों का खाका पेश किया गया है जो इस मनसूबे के ख़िलाफ़ बोलने पर हिरासत में लिए गए या गायब किए गए। मस्कुरा रिपोर्ट में बेदखल किए जाने वाले अफराद के ख़िलाफ़ होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तफसील पेश की गई है। इतलात के मुताबिक $500 बिलियन की नई सऊदी मेगा सिटी नेम में तामीराती काम जारी है। नाज़िदर, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का इख्तदार गंवाने के बाद से सबक़ वज़ी अजम इमरान ख़ान को लगातार मुश्किल का सामना है। अब उन्हें गिरफ़्तार किए जाने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पुलिस इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकती है। पुलिस इमरान खान की रिहाइशगाह पर पहुंच भी गई है। दूसरी जानब इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद इमरान खान के हामियों का उनकी रिहाइशगाह के बाहर इज्तिमा शुरू हो चुका है। नाज़िद, अमरीकी अरबपति सरमायाकार जॉर्ज सोरोस का कहना है कि गौतम अडानी की कारोबारी सल्तनत में उथल पुथल हिंदुस्तानी शेयर बाजारों में हिस्सा फरोख्त करने के रुझान का बाइस बनी है। उससे हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकारों का अतमाद में तजलजल हुआ है। उन्होंने कहा कि यही हलचल मुल्क में जमहूरियत की बहाली की राह हमवार कर सकती है। नाज़िर, 6 फरवरी को तुर्किया में आने वाले 7.7 और 7.6 शिदत के जलजलों से जिससे सदी की आफत करार दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदायमान का दौरा किया है। इधर मशहूर अमरीकी अदाकार ब्रूस विल्स डिमनिशिया में मुब्तला हो गए हैं। सोशल मीडिया पर विलेस के अहले खाना की जानिब से दिए गए एक बयान में बताया गया कि 67 साल अदाकार फ्रिंटो टेम्पोरल डिमनिशिया FTD में मुब्तला है, जिसकी वजह से मशहूर अदाकार की बातचीत करने की सलाहियत बड़ी मुश्किल पेश आ रही है बात करने में। इधर अक़वामे मुत्तहिदा ने तुर्किया के ज़लज़ले ज़दगान के लिए $1 अरब की इंसानी इमदादी फ़राहम करने की अपील की है। अक़वामे मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने इस मौजू के हवाले से तहरीरी बयान में सदी के बदतरीन ज़लज़ले से मुतासर तुर्क अवाम के लिए इंसानी इमदाद फ़राहम करने की लगातार अपील कर रहे हैं। इधर अफगानिस्तान के शिमाली मशरक़ी सूबे बदख्शां में हालिया 4 दिनों में बर्फ़ के तूदे गिरने से मौत की तादाद 12 हो गई है। बदख्शां कुदरती आफात के ख़िलाफ़ जद्दोजहद इदारे के सूबाई मैनेजर मौलवी मोहम्मद अक्रम ने प्रेस क्लब बताया कि बदख्शां की तहसीलों कोहिस्तान, रेगिस्तान, यावान, शगनान, दरायम और याप्ताल में शदीद बर्फबारी से बर्फ़ के तूदे गिरने से ये वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। इधर नाज़िर ग्रामी, ताजिकिस्तान में भी बर्फ़ानी तूदा गिरने से हलाक होने वालों की तादाद 17 हो चुकी है। ताजिकिस्तान की कमेटी बराए इंसदाद हंगामे हालात के मुताबिक मुल्क के कोहसारी इलाके में बर्फ़ के तूदे गिरने से अब तक 17 अफराद हलाक हुए। नाज़िर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया कि 6 फरवरी को आने वाले जलजिले के बाइस शाम की शुमारी मगरिब के लिए ज़रूरी इमदाद की कमी के बारे में फ़िक्रमंद हैं। WHO के ग्लोबल इमरजेंसी के डायरेक्टर माइक रयान ने सहाफ़ियों को बताए वाजह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीश का इलाका शुमाली मगरबी शाम है। उन्होंने कहा कि शाम में हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाके भी जलजले से मुतासर हुए। रयान ने जिक्र किया कि वहाँ दस्तयाब खिदमत तक लोग रसाई हासिल कर रहे हैं। नाज़िर ग्रामी, ये थी आज की कुछ बातें। जी, इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी